गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ में डेयरी फार्मिंग रिलेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मीठा सोडा जानवरों के लिए, कैटल के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसमें थोड़ा सा जो डोज का डाउट चल रहा है, देखिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैटल जो है बीमार है या नॉर्मल है या बिल्कुल ऑफ फीड है। जैसे कई बार होता है कि बुखार हो जाता है और कैटल ऑफ फीड हो जाते हैं, बिल्कुल खाना उनका बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में 125 से 150 ग्राम दिया जा सकता है। उसके साइज़ के हिसाब से अगर गाय या भैंस छोटे साइज़ की है तो 100-125 ग्राम दे दें, अगर बड़े साइज़ की है तो 150 ग्राम दिया जाएगा। और अगर उसको हमने नॉर्मल कंडीशन में सोडा देना है, एसिडिटी चेक करनी है कि भाई इसमें कुछ एसिडिटी कम पड़ती है तो दूध बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में 50 ग्राम दिया जा सकता है। और इसको पानी में घोल के भी दे सकते हैं, या इसको उसके फीड के अंदर जो भी फीड या दाना जब भी दिया जाता है उस खिलाया जाता है, खाने के अंदर भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये निवारण हुआ आपका मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोला जाता है, वो कितना देना है। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।